हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि डॉग की स्किन के ऊपर रैशेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार जो आपका डॉग है बहुत सारे इचिंग करना स्टार्ट कर देता है और इच कर करके वो बहुत ही खुजा लेता है और वहां से जो हेयर है वो भी फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पे पैचेस बन जाते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो छोटे जो पपी होते हैं या बड़े जो डॉग्स होते हैं उनकी बैली के ऊपर एक पिंपल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो रेडिश कलर के होते हैं। पहले वो एक आएगा, फिर उसके बाद उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, दो हो जाएंगे, नंबर्स में इंक्रीज होंगे, फिर बहुत सारी क्वांटिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली गाइज, ये एक टाइप की एलर्जी होती है जिसमें कई बार आपको रिंगवॉर्म भी देखने को मिलता है, यानी आपको कुछ इचिंग वाले साइंस नजर आएंगे कि आपका डॉग हैवी इचिंग कर रहा होता है। तो गाइज, इनके सॉल्यूशन के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। बिकॉज गाइज, अगर आपके डॉग को प्रॉपर वे से अगर मेडिसिन नहीं मिली जिसके बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो गाइज आपके डॉग को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बार तो वो एलर्जी ठीक हो जाएगी लेकिन वो बाद में फिर से उसे सताना स्टार्ट कर देगी। तो गाइज, वो मेडिसिन कौन सी है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ में वही ये भी बताने वाला हूँ उसकी डोजेस क्या रहेंगी, उसके प्रिकॉशंस हमें क्या क्या रखने हैं, और साथ में उसकी जो बेसिकली साइड इफेक्ट है या नहीं है आपके डॉग की बॉडी के ऊपर, तो इनका पता होना चाहिए हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अब एक पॉइंट और आप नोट कर लेना, जो मैं आपको ये मेडिसिन बताने वाला हूं आपको अपने वेट की प्रिस्क्रिप्शन से लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही चले गए शॉप पे और आप मेडिसिन को लेके आ रहे हो और आप अपने डॉग को ले रहे हो। आपको एक प्रॉपर वे से अपने वेट के पास जाके इस मेडिसिन के बारे में पूछ के फिर आपको अपने डॉग को ये मेडिसिन देनी है। हमारी वीडियो का मेन मोटो ये है कि हम आपको प्रेरित करें, हम आपको बताएं कि आपको डॉग की कैसी रक्षा करनी है, कैसे उसको बचाना है बहुत सारी डिजीजेस से, और आपको कुछ मेडिकेशंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको इमरजेंसी में हेल्प करेगी। तो गाइस, वो मेडिसिन कौन सी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सिट्रिजिन के नाम से, जैसा कि मेरे पास भी है, आपको जैसे नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे मैंने ली हुई है, ये शीशी है। तो बेसिकली इसके ऊपर सिट्रिजिन सिरप लिखा हुआ है, सेटसिप सिरप के यानी इसका जो ट्रेड नेम है। तो बेसिकली इसकी अगर मैं कंपोजिशन के बारे में बताऊं तो इसके अंदर सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड है 5 mg, जो कि एक फ्लेवर्ड सिरप बेस है। तो बेसिकली गाइज, आपके डॉग को अगर एलर्जी हो जाती है तो आपको अपने डॉग को एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देनी पड़ती है। अब गाइज, क्या होता है जब एलर्जी होती है तो आपके डॉग की बॉडी या हमारी बॉडी ही क्यों ना लगा लो, एक हिस्टामाइन को रिलीज करती है, जो कि बेसिकली मेन रीजन होता है एलर्जी का। अब हिस्टामाइन रिलीज हुआ है तो हमें उसके अगेंस्ट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देनी है, तभी आपके डॉग को राहत मिल पाएगी उस एलर्जी से। बेसिकली हम इनको एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस भी बोल देते हैं। अब गाइस, मैं बात कर लेता हूं कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले सिम्टम तो आपको यही देखने को मिलेगा, आपके डॉग की बॉडी के ऊपर रैशेस देखने को मिलेंगे, पिंपल्स देखने को मिलेंगे, उन पिंपल्स के अंदर गाइस पस भी हो सकता है, कुछ वॉटरी भी हो सकते हैं, साथ में गाइस आपको कुछ रिंगवॉर्म टाइप स्ट्रक्चर नजर आएंगे, साथ में रैशेस नजर आएंगे बॉडी के ऊपर रेड रेड कलर के सकते हैं, और आपको गाइस इसके अंदर आपके डॉग में देखने को मिलेगा कि आईज से बहुत सारा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि आपके डॉग की बॉडी से जो नोज से भी पानी आना स्टार्ट हो जाए, और कई बार गाइस आपका डॉग बहुत ज्यादा ही इरिटेटेड फील करता है इस सिचुएशन के अंदर। इसमें गाइस आपको स्नीजिंग भी देखने को मिलेगी, आपके डॉग में स्नीजिंग भी होगी। तो गाइस बेसिकली जो एलर्जी के सिम्टम यही रहते हैं। अब गाइस मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात को कान खोल के सुन लो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। कुछ केसेस हैं जिनके अंदर गाइस हमने वॉमिटिंग को देखा है, कुछ में आपका डॉग बहुत ज्यादा सुस्त फील करता है, बिकॉज वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है तो एक बार तो वो सुस्ती तो बॉडी में लेके ही आएगी। आपका डॉग थोड़ा सा सलाइवेशन ज्यादा मात्रा में करना स्टार्ट कर देगा और थोड़ा सा हांफना स्टार्ट कर देगा, तो उस सिचुएशन में आपको उसकी केयर जरूर करनी है। अब गाइस मैं बात कर लेता हूं इसकी इंस्ट्रक्शंस की, कि इस मेडिसिन का यूज किस किस में हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो गाइस प्रूरिटिस, प्रूरिटिस का मतलब क्या होता है, अगर आपके डॉग को हैवी इचिंग हो रही है तो आप उसके अंदर दे सकते हो। सेकंडली गाइस, अगर आपके डॉग को एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो उसके अंदर भी इस मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। एटोपिक डर्मेटाइटिस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होंगी, आप प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करके उनको कंप्लीटली वॉच कर लेना। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हो रैशेस के अंदर, अगर आपके डॉग की बॉडी के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। अगर गाइस आपके डॉग को इंसेक्ट बाइट कर जाए, यानी कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर आपके डॉग को बाइट कर जाए, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हो।
अब गाइज मैं बेसिकली ये बात बता दूं, ये डॉग के साथ साथ हम इस मेडिसिन का कैट में भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो मेडिसिन है एक टैबलेट की फॉर्म में भी आती है और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में भी आती है। अब ओरल सस्पेंशन ये रहा, टैबलेट की फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता, लेकिन आप गूगल पे चेक कर सकते हो। अब गाइज मैं बात कर लेता हूँ इसकी डोजेस की। तो गाइज डोज रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं, गाइज अगर आप अपने डॉग में इस मेडिसिन का यूज कर रहे हो तो प्लीज एक बार अपने वेटनरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इसका यूज करना। आप इस मेडिसिन के बारे में अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हो, वो एक प्रॉपर वे से डोज रेट बता देंगे। लेकिन आज मैं आपको एक प्रॉपर वे से नहीं बताने वाला, लेकिन आपको एक डोज रेट जरूर बताऊंगा जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, जो ना तो ज्यादा होगी ना बिल्कुल कम होगी। अगर मान लो पपी की स्किन के ऊपर या बेली के ऊपर पिंपल्स आ गए हैं, आपके पपी का बॉडी वेट मान के चलते हैं हम 2 किलो है, तो 2 किलो में आप 0.1 से 0.2 ml ही अपने डॉग को पिला सकते हो दिन में 2 बार। और बेसिकली अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 10 kg हो जाए तो आप 0.7 से 0.8 ml भी पिला सकते हो ओरली दिन में 2 बार। अब गाइस मैं बात कर लेता हूं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग गाइस बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये प्लास्टिक की एक शीशी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। और गाइस मैंने साइड इफेक्ट के बारे में भी चर्चा कर लिया कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन गाइस अब मैं बताता हूं आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं। अगर आपके डॉग को ग्लूकोमा है तो उसके अंदर आपको इसका बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर डॉग काफी ज्यादा एज्ड हो चुका है, यानी वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज हो चुका है, तो आपको उसके अंदर भी यूज नहीं करना, बिकॉज ये एक्सेसिव सलाइवेशन करवा देता है, वो आपका डॉग हांफना स्टार्ट कर देगा, हांफना स्टार्ट करेगा तो आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। और गाइस बेसिकली अगर आपके पास नर्सिंग मदर है, बेसिकली हम जिसको बोलते हैं कि जिसके अभी बच्चे हुए हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जिसको हम लैक्टेटिंग एनिमल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है तो उस सिचुएशन में भी आपको इस मेडिसिन का यूज नहीं करना। तो गाइस ये आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। और बेसिकली ये बता दूं इस मेडिसिन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपके पपी के बैली के ऊपर पिंपल हो जाते हैं तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। जैसे ही आप वीडियो को वॉच करोगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे आप उसको फॉलो करोगे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।